नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 27 सितंबर है और आज फ्राइडे का दिन है। इसी के साथ बात होगी आपके लिए राशियों की, लेकिन उससे पहले बात होगी वास्तु के कुछ खास टिप्स की। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं अपनी नौकरी में तरक्की, अगर आप चाहते हैं व्यापार में तरक्की, स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपके वास्तु के अनुसार अध्ययन करते समय, तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उन लोगों की जिनके घर में कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं कि घर में मन नहीं लगता है, घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, सुख संपन्नता नहीं रहती, तो उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, हर जो एक दिशा होती है वास्तु के अनुसार, उसको एक कलर दिया गया है, उसको एक हर डायरेक्शन को एक एनर्जी दी गई है। और ख़ासतौर पे बात करें, अगर इन एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर लेते हैं, इन डायरेक्शंस को उनकी चीज़ों के अनुसार अगर बैलेंस कर लिया जाए, तो आपके जीवन में भी उसी तरह से एक बैलेंस बन जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को घर के उत्तर पूर्व की दिशा में मनी प्लांट लगाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर पूर्व की दिशा में ग्रीन कलर के फ्लावर पॉट्स या ग्रीन कलर के नेचुरल प्लांट्स लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे भी घर में सुख और संपन्नता आती है। ये तो बात हुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात। साथ ही में जैसे मैंने कहा, नेचुरल फ्लावर्स या नेचुरल वाटरफॉल की पेंटिंग्स लगाना, या वाटरफॉल्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स जो होते हैं, उसको लगा लेना उस डायरेक्शन में। उससे पैसे का फ्लो लगातार बना रहता है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करें, अगर घर में खासतौर पे लोगों के साथ तालमेल नहीं बन पाती, या फिर घर में एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, काम करने का मन नहीं करता, या ग्रोथ नहीं है, या फिर साथ ही साथ में फोकस नहीं है लोगों का, एक डायरेक्शन नहीं चुन पाते आप लोग, तो ऐसा इस स्थिति में आप लोगों को घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, वहाँ लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, रेड कलर जो होता है वो खासतौर पर उदासीनता को कम करता है, वो कलर होता है पावर का। रेड कलर का जो कलर होता है वो होता है ग्रोथ का, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि रेड कलर आपके रूट चक्र को भी इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं पे आप अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि आगरने कौन माना जाता है, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है, इसमें रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से, रेड कलर का वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स आप लगा सकते हैं, रेड कलर की कोई पेंटिंग आप लगा सकते हैं, रेड कलर के कर्टन्स लगाए जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बननी शुरू हो जाएंगी, एक तरह का बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। और कई लोग जो है, जो बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस को नहीं ले पाते, ग्रोथ नहीं जिनकी लाइफ में है, या आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं, इस तरह की स्थितियाँ जो हैं वो ख़त्म होंगी। बात करी जाए कि जो बच्चे हैं घर के, उनको अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उनको आपको ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में उनकी बुक्स, उनकी कॉपीज़ जो हैं वो आपको रखनी चाहिए, प्लेस करनी चाहिए। अलमीराज या उनकी जो खासतौर पे बुक शेल्स हैं, वो इस डायरेक्शन में प्लेस करी जानी चाहिए। अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है, या कोई काम ऐसा है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी इसी डायरेक्शन में रख सकते हैं, इससे आपका वो काम जल्द से जल्द होगा। साथ ही में आप देखेंगे कि जो, अगर मान लीजिए जैसे प्रमोशन आपका रुका हुआ है, या किसी कारणवश कोई काम आपका अधूरा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आप इस डायरेक्शन में रखे जा सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की, और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एरीज की। तो टार एंड द स्टार कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आज। संतान की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ आज हो सकती है। कोशिश करेंगे आप लोग सुबह के समय में किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान आज करें। खाने की सामग्री का भी दान किया जा सकता है। आप किसी भी नीडी पर्सन को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं। टॉरेंस की बात कर लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। संपत्ति के बड़े सौदे आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक रहेंगे। आपकी समझ और अनुभव जो है, उससे भाग्योन्नति के प्रयास जो है, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी आज। समय समय पर घर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनको समय ज़रूर दें, उनकी सलाह मशवरा ज़रूर माने। उपाय की बात करी जाए तो आज माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए अच्छा है। जेमिनाइज की बात करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज दिन की शुरुआत में थोड़ा सा स्वभाव जो है, उसमें चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटीज़ रहेंगी।
इसके अलावा दिनचर्या को बदलें, अपनी कोशिश करें कि करीबी लोगों से आप पूरा पूरा उन पर ब्लाइंड फेथ नहीं करें। कोई भी आपके जो खासतौर पे जो पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोगों के साथ, उनके लिए या उनके ऊपर आप फाइनेंशियल पार्ट को लेकर के पूरा तरह से ब्लाइंड फेथ नहीं करें, क्योंकि आज पैसों के जुड़ाव से कहीं ना कहीं पर धोखा मिलने की उम्मीदें लग रही हैं। कर्क राशि द एम्परर एंड द एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए आज का जो दिन है। अपने कपड़े जो है, रहन सहन जो है, इन सब के अलावा अपने व्यवहार पर भी ध्यान दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो कि आपसे नाराज़ हैं। रुका हुआ धन आज हालांकि वापस मिल सकता है। यात्रा, नौकरी और निवेश आपके लिए लाभदायक रहेंगे। प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र होने के भी योग नज़र आ रहे हैं, जो कि प्रमोशन तो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, लेकिन ट्रांसफ़र की सोच भी आपको आज परेशान कर सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में कोशिश करेंगे सफ़ेद चीज़ों का दान करें, या फिर किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर के खीर का दान करना भी आज अच्छा रहेगा। सिंह राशि, किंग ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। परिजनों का स्वास्थ्य थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकता है, थोड़ा कॉशियस रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे कोई भी ऐसे कार्य जो कि काफ़ी समय से अधूरे थे या किसी कारणवश उसमें हमेशा डिलेज आ रहे थे, वो काम आपके पूरे हो सकते हैं, उसमें गति आ सकते हैं। व्यवसाय कार्य प्रणाली में कुछ न कुछ चेंजेस होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंह राशि वालों के लिए आज चंदन का तिलक लगाकर के दिन की शुरुआत कीजिएगा। कन्या राशि, फोर ऑफ कप्स एंड द डेविल कार्ड निकल रहा है आज। अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों की निंदा करने से बचें, नहीं तो उसका सारा नकारात्मक असर आपके ऊपर आएगा। धार्मिक लाभ आज मिल सकता है। राजकीय सहयोग यानी कि सरकारी पक्ष से कुछ ना कुछ सहयोग जरूर मिलेगा। कार्य सिद्धि हो सकती है, कोई भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय की यात्राएँ बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। किसी भी तरह की भूमि में निवेश या प्रॉपर्टी में निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा। न्याय पक्ष में भी मजबूती बढ़ेगी। आज उपाय की बात करी जाए तो कन्या राशि वाले जो लोग हैं आज के दिन में कोशिश करेंगे सतनाजा आप दान जरूर करें। तुला राशि, द स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। आज किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग्स करेंगे, दुकान या मकान में वाद विवाद जो है उसमें समझौते होते हुए नजर आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। वाहन, मशीनरी आदि के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतेगा। आप लोगों के लिए आज उन्नति का दिन भी है। तुला राशि वालों को ध्यान रखना है, संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही में लक्ष्मी जी को एक कमल का पुष्प भी आप जरूर अर्पित करें, आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। स्कॉर्पियोज कार्ड निकल रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स आप लोगों के लिए आज का जो दिन है। समय निकाल करके थोड़ा सा अपने परिवार को समय दें, क्योंकि जितनी भी फैमिली इश्यूज है उसे खत्म करने का जो समय है वो आ चुका है। आज के दिन में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप है उसमें मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कारोबार की बाधाएं आज दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन काम काज पर ध्यान रखना या काम काज पर एक नज़र रखना वो भी इम्पॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि वालों को आज माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करनी है। धनु राशि, सेवन ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। परिवार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे जीवन साथी के, लेकिन साथ आज थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि, सेवन ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है आज। परिवार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लेंगे, अपनी तरफ से पूरी पूरी भागीदारी रखेंगे। जीवन साथी के साथ आज हालांकि गलतफहमी का कारण कुछ ना कुछ बन सकता है, दैट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नजर आ रही हैं। आप काफ़ी हद तक कॉशियस रहेंगे तो चीज़ें आप क्लियर आउट कर सकते हैं। संपत्ति के बड़े सौदे होना आज संभव दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है, लेकिन आपके शत्रु पक्ष भी आज काफ़ी हद तक हावी हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना या फिर कनक धारा स्रोत का पाठ करना लाभकारी रहेगा। मकर राशि का आज निकल रहे हैं एट ऑफ पेंटाकल्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स आप लोगों के लिए। कम समय में काम को पूरा करने का प्रयास आप करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक आप कामयाब भी होंगे। आज किसी असहाय की मदद करना बेहतर रहेगा, दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़े, नहीं तो उलझने और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि किसी तरह की आउटिंग या किसी तरह के ट्रैवलिंग्स आज नज़र आ रही हैं आपके घर परिवार के साथ। मकर राशि वालों के लिए आज किसी भी मंदिर में जा करके कोशिश करेंगे अन्न का दान ज़रूर करें।
कुंभ राशि पेज ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। दिन की शुरुआत नए संकल्पों के साथ हो सकती है, किसी तरह के नए रेजोल्यूशंस आप ले सकते हैं। परिवारजनों के साथ कोई आयोजन में शामिल होने का दिन भी दिखाई दे रहा है। जितना हो सके तो उतना ही विवादों को टाल दीजिए। आज किसी से भी बहस में पड़ना या बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पड़ना अच्छा नहीं है। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर अर्पित करें और कोशिश करें कि ध्वजा भी आप अर्पण ज़रूर करें, आपकी विजय ज़रूर होगी। मीन राशि आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहे हैं द डेथ कार्ड एंड सेवन ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए आज अच्छा व्यवहार जो है आपके व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखार देगा। किसी संत पुरुष के साथ उनके सानिध्य में आज आपकी जो बढ़ोतरी है वो होती हुई नज़र आ रही है, आप उन्नति करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबार और परिवार में एक सामंजस्य बनाना ज़रूरी है। परिश्रम का पूरा पूरा फल तो मिलेगा, लेकिन न्याय पक्ष भी आज मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें आप लोगों के लिए जीत का योग बन रहा है। उपाय की बात करी जाए तो आज कुछ भी मिष्ठान सफ़ेद रंग का उसको कोशिश करें जिस पर चांदी की बर्क लगी हो, ऐसा कोई भी मिष्ठान आप मंदिर में दान ज़रूर करें। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। और कल हम बात करेंगे सर्वपित्र अमावस्या के बारे में, क्योंकि कल एक बहुत खास संयोग बना है 20 साल बाद। जानेंगे कि कल के दिन में क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, साथ ही में आपके दिन का हाल कैसा रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।